एरा में फिलहाल अभी मार्केट काफी ज्यादा डाउन चल रहा है मार्केट में काफी ज्यादा तूफान आया हुआ है ना सिर्फ मार्केट में तूफान आया हुआ है बल्कि मेरे इधर भी तूफान आ रहा है बारिश आ रही है तो शाम को अगर मैं आपको अपडेट ना दे सकूँ तो उसके लिए मुझे माफ करना बिकॉज लाइटिंग वगैरह की प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही है तो अब मेन पॉइंट पर आ जाते हैं कि भाई इस समय मार्केट जो डाउन चल रहा है उसकी वजह से मैं काफी ज्यादा डर चुका हूं बिकॉज मेरा जो पोर्टफोलियो है वो आधे के समथिंग हो गया है मेरे इतने हजार का लॉस आ गया तो इसके ऊपर मैं ज्यादा आपको कुछ मोटिवेशन दूंगा नहीं ना ही कोई ज्ञानबाजी दूंगा बिकॉज कुछ एक आध मेरे बड़े भाई साहब हैं जो मुझे कहते हैं कि भाई ये ज्ञानवान मत दिया अगर टू द पॉइंट जो मेन मेन पॉइंट से न्यूज आई है वही बता दिया अगर तो ठीक है मेरे बड़े भाई साहब वो ज्ञानवान दूंगा नहीं सीधे पॉइंट पर आ जाता हूँ वीडियो में, में मैंने टाइम स्टाम्प भी डाला हुआ है तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक पार्ट देखना है तो वो एक बार चेक कर लेना ठीक है कल रात को आपको एक न्यूज मिली होगी कि चाइना में क्रिप्टो बैन हो रहा है ऑफिशियली ठीक है मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था नहीं मैंने रिसर्च करी थी बट ट्विटर पर सिर्फ इतना आया था कि भाई चाइना ऑफिशियली बैन क्रिप्टो करेंसी तो मैंने भी अपने कम्युनिटी टैब में इसके बारे में एक छोटी सी पोस्ट डाल दी बट जैसे ही मैं सुबह उठा तो मैंने देखी ये जो न्यूज़ है यार अभी की नहीं है काफ़ी समय से ये न्यूज़ चलती हुई आ रही है लगभग 2016-17 से ये न्यूज़ वगैरह आ रही है बट पता नहीं क्यों जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है वेबसाइट वगैरह है वो इसी न्यूज़ को दोहरा रही है हो सकता है शायद जो बड़ी वेल से उनके कहने पर यह हो रहा हो मार्केट में अभी कुछ भी हो सकता है मैं आपको सबूत के तौर पर यह भी बता देता हूँ ये देखो ये जो न्यूज आई थी वो 2017 से 16 से 18 से 20 से चलती हुई आ रही है 17 घंटे पहले की एक न्यूज है यही चीज मैं आपको 2017 की भी बता देता हूं 11 सितंबर 2017 ऐसी ही अगर शायद अभी मेरे स्क्रीन में नहीं मिल रही हो मुझे ये न्यूज बट 2017 की ये जो न्यूजें हैं फिर से दोहराई जा रही है और कल रात को मैंने सोचा कि भाई शायद चाइना ने ऑफिशियली भी बैन कर दिया हो क्रिप्टो करेंसी क्योंकि भाई ये चाइना है वो कुछ भी कर सकता है बैन के मामले में वहां यूट्यूब वगैरह फेसबुक वगैरह ये सब बैन है तो इसके लिए क्रिप्टो करेंसी बैन करना कोई बड़ी बात नहीं है और एक चीज और भी है आपको पता हो कि दुनिया में जहां सबसे ज्यादा क्रिप्टो करेंसी माइनिंग होती है वो चाइना और अमेरिका ही है और दुनिया में जो सबसे ज्यादा क्रिप्टो करेंसी होल्डर है वो अमेरिका और चाइनीज ही है यानी चाइना बड़ी मात्रा में क्रिप्टो करेंसी यूज करती है तो चाइना अगर ऐसी कोई बड़ी न्यूज देता है तो वो शायद मार्केट पर एक असर डाल सकती है बट ये जो न्यूज वगैरह है वो काफी पुरानी है पता नहीं क्यों मेन स्ट्रीम जो वेबसाइट है न्यूज चैनल है वो इसको दोहरा रही है शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ तो ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया इसके अलावा एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं कि अभी जो मार्केट डाउन चल रहा है वो ये जो क्रिप्टो बैन इन चाइना इसकी वजह से नहीं चल रहा है अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देखें तो मार्केट को डाउन होना ही था इस समय और मैं आपको सबूत के तौर पर ले जाता हूं ठीक है ये जो बाइनेंस का खुद का ऑफिशियल ब्लॉग है इनकी वेबसाइट पर इनके अकॉर्डिंग भी यही है कि मार्केट जो अभी डाउन चल रहा है उसके मेनली दो रीजन है ना कि क्रिप्टो बैन इन चाइना पहली चीज तो कि जो नॉर्मल पीपल्स है जो ट्रेड करते हैं आप और हम जैसे जो नॉर्मल लोग हैं इस समय पैनिक सेलिंग ज्यादा कर रहे हैं अब सेलिंग ज्यादा हो रही है इसकी वजह से मार्केट को डाउन होना ही है और एक चीज और इन्होंने कही है कि जो बड़े इंस्टीट्यूशन हैं वो अपना पैसा भी नहीं निकाल रहे हैं हम जैसे जो लोग हैं वो अभी अपना पैसा निकाल रहे हैं इसकी वजह से मार्केट डाउन चल रहा है एक ये भी है कि इस समय जो बड़ी वेल्स है वो हमारे साथ गेम खेल रही है और मार्केट को डाउन करने की कोशिश कर रही है जिससे कि वो डिप में एंट्री ले सके या अपना पैसा इन्वेस्ट कर सके और फिर बाद में अच्छा खासा अमाउंट बुक कर सके तो ये वेल्स का गेम भी इस समय चल रहा है और एक चीज और अभी जो बातें चल रही है कि इलॉन मस्क के ट्वीट की वजह से अभी जो बिटकॉइन की प्राइस है वो टूट रही है ठीक है तो अगर हम इसको टेक्निकली भी समझने की कोशिश करें तो मैं आपको ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर लेके आ गया हूं यहां हमें देखने को मिल रहा होगा कि सेलर इस समय बढ़ रहे हैं और ये जो सेलर्स है वो आम लोग हैं ठीक है आप में हम जैसे जो लोग हैं इस समय पैनिक सेलर्स ज्यादा हो रहे हैं पैनिक सेलिंग ज्यादा कर रहे हैं और अगर हम इसको चार्ट को भी देखें तो चार्ट में भी यही साफ साफ देखने को मिल रहा है लाइन एंड लेवल्स की तरफ से ये कि पीपल्स थिंक दैट बिटकॉइन फॉलिंग बिकॉज मस्क आई कांट अंडरस्टैंड वाई पीपल्स डोंट ट्राई टू चेक चार्ट इसमें इन्होंने ये कहा है कि भाई न्यूज वगैरह है जो बाद में आती है इससे पहले ही हमें चार्ट के थ्रू ये संकेत मिल जाते हैं कि भाई प्राइस इस तरफ जाने वाली है और एक चीज उन्होंने लास्ट में क्लियरली बताई गई है इफ इट इज सस्टेन बिलो करंट देन सूनर और लेटर इट विल

प्राइस की अगर बात करें तो प्राइस जो है अभी लगभग चालीस हजार डॉलर के समथिंग चली गई है कहाँ तो इसने पचपन हजार को भी ब्रेक कर दिया था अब प्राइस इतनी कम हो गई है तो टेंशन वाली बात नहीं है मैं एक चीज़ आपको और क्लियर कर दूं ठीक है अभी और जो मार्केट में खबरें चल रही है वो और आपको मैं बता दूँ कि भाई इंडिया में सून जो क्रिप्टो है उसके ऊपर रेगुलेशन होने वाला है ये जो खबरें हैं आज ही आपको मिली होगी बट आपको पता हो अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो हमने एक दो दिन पहले ही इस टॉपिक को देख लिया था कि भाई इंडिया में क्रिप्टो को रेगुलेट हो रे, रेगुलेट करने वाले हैं और ये जो मॉडल होगा वो सिंगापुर मॉडल के जैसा होगा इसके ऊपर शायद इकोनॉमिक्स टाइम ने ही आजकल में एक रिपोर्ट छापी है मैं आपको वो भी बता देता हूं क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन रेगुलेशन इसके ऊपर आज ही न्यूज आज या कल में ही न्यूज आई आपको देखने को मिला होगा एक ये भी है ये शायद अभी की नहीं है थोड़ा सा आप वेट करो एक मिनट बस फाइव डे ठीक है थर्टी मार्च चलो न्यूज़ वगैरह में हम जाएंगे नहीं मैं आपको ऐसे बता देता हूँ जो आपको आज पता लग रहा है कि भाई क्रिप्टो में रेगुलेशन होने वाला है आपको पता होगा मैंने आपको दो तीन दिन पहले ये बता दिया था कि जो हमारे जीसी आ, जीसी गर्ग है सुभाष चंद्र गर्ग पहले के जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये कहा था कि भाई इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं करना चाहिए बल्कि इसके रेगुलेशन के बारे में हमें विचार करना चाहिए सिंगापुर मॉडल के ऊपर भी हमें एक बार देख लेना चाहिए तो कुल मिला बात अभी ये हो रही है कि देखो एक चीज तो ये आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो एक पॉइंट ये हो गया दूसरी चीज ये कि चाइना में क्रिप्टो बैन हो गया इसका कोई बड़ा असर हमें देखने को नहीं मिलेगा मार्केट में चाइना ने बैन कर दिया इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया में भी बैन हो जाएगा भाई इंडिया में बैन ऐसा ही नहीं होने वाला ये तीसरी चीज ये कि अगर रेगुलेशन होने वाला है तो यार ये अच्छी खबर है मतलब बैड न्यूज नहीं है ये अगर रेगुलेशन होगा तो इसका मतलब ये है कि भाई क्रिप्टो का फ्यूचर इंडिया में साफ हो जाएगा ठीक है डरने वाली बात नहीं है रेगुलेशन से रिलेटेड अगर कुछ लोगों को डर लग रहा हो कि भाई रेगुलेशन मतलब क्रिप्टो बहन हो जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं है रेगुलेशन का अर्थ आप समझ लीजिए तो इसके ऊपर हम ज्यादा डिटेल से बात नहीं करेंगे अगर प्राइस वगैरह को प्राइस वगैरह को हम चेक करें तो इस समय ऑलमोस्ट जितने भी बड़े कोइंस है वो डाउन चल रहे बट कुछ एक आध से अच्छे कोइन से जिसके ऊपर मैंने पहले ही बात करी हुई है जैसे एक तो हमारा मैट्रिक ठीक है मैटिक को भी मैं आपको बता देता हूँ मैटिक फिलहाल शायद मैटिक को देख लेते हैं हाँ मैटिक आपको पता है मेट्रिक जो है काफी अच्छा कॉइन है इसके ऊपर मैं पहले ही कई बार बात कर चुका हूं ग्यारह की यह हमें 24 घंटे में ही अभी अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है ओवरऑल अगर हम दिन की बात करें तो सात दिन में यह हमें 100 से ज्यादा परसेंटेज में ग्रोथ दिखा चुका है और भी कुछ एकाध कोइन से जो कि अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनको भी हम चेक कर लेते हैं चलो चेक वेक तो आप खुद भी कर सकते हो जो मेन चीजें हमें निकल के आई है वो है कि भाई रेगुलेशन अगर हो रहा है तो वो अच्छी खबर है क्रिप्टो बैन इन चाइना इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट मार्केट में नहीं पड़ेगा और यह भी है कि जिस तरीके से मार्केट अभी डाउन चल रहा है जल्द ही हमें एक अच्छी खबर मिलेगी कि मार्केट फिर से उठ गया है तो डोंट पैनिक फिर से कहूंगा फिलहाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो अगर पसंद आया हो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा और जो भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हो वो एक बार कमेंट सेक्शन में जाके जरूर से लिख देना फिर से कह रहा हूं अगर कोई ऐसा रिप्लाई आए जो कि मेरे चैनल का हो जिसमें मैं कोई व्हाट्सअप नंबर देने का दावा कर रहा हूं तो भाई वो स्कैमर से उनसे आप अलर्ट रहिए है